वॉट इज़ अ गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ ई ईशा एंड इन दिस वीडियो बिफोर आई गेट टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज हैव यू एवर क्रिएटेड अ बकेट लिस्ट सो जिनको नहीं पता आई वॉन्ट टू टेल दैम कि बकेट लिस्ट होती क्या है सो बकेट लिस्ट वो होती है जो आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो जैसे आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो किसी जगह कोई स्पेसिफिक जगह आप जाना चाहते हो या आप कोई स्किल एक्वायर करना चाहते हो आप डांस सीखना चाहते हो आप म्यूजिक सीखना चाहते हो आप स्क्रैप बुकिंग सीखना चाहते हो आप पेंटिंग करना चाहते हो आप किसी की हेल्प करना चाहते हो कुछ भी हो सकता है आपकी बकेट लिस्ट में सो so, क्या आपने कभी अपनी कोई बकेट लिस्ट बनाई है सो so, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख के तो बहुत लोगों की बकेट लिस्ट बनी थी मेरी भी बनी थी कि मैंने स्कूबा डाइविंग करनी है स्काई डाइविंग करनी है बैलों के आगे कभी नहीं भागना और दिल चाहता है देख के बनी थी कि फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना ऐसी बकेट लिस्ट बहुत लोगों की बनती है और अभी भी बन रही हैं लोगों की सो so, अब आते हैं आज के वीडियो टॉपिक पे, मुझे सबसे पहले ये क्लियर करना है कि मेरा जो ये चैनल है वो उसकी अंडरलाइन थीम क्या है क्योंकि आई पोस्ट वीडियोस ऑन ट्रैवल आई पोस्ट वीडियोस ऑन म्यूज़िक आई पोस्ट वीडियोस ऑन स्क्रैप बुकिंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरी वीडियोज़ आ रही हैं बट एक्चुअली मैं अपने चैनल पर कर क्या रही हूँ सो so, सबसे पहले मेरा चैनल जो है वो एक मेरी बकेट लिस्ट है जो सारी चीज़ें मैं मैंने अपनी बकेट लिस्ट में किसी टाइम पे ऐड करी थी वो सारी बकेट लिस्ट में आई एम लिविंग दैट बकेट लिस्ट बेसिकली सो मुझे सोलो ट्रिप पे जाना था वो मैंने किया आई वांटेड टू स्टे विद अ लोकल फैमिली आई डिड दैट आई वॉन्ट टू अटेंड अ म्यूजिक फेस्टिवल आई डिट दैट आई वॉन्ट टू कवर स्टार्ट डूइंग आई एम डूइंग दैट आई वॉन्टेड टू लर्न डांस ऑनलाइन क्योंकि क्वारंटीन में मैं जा कर तो कहीं सीख नहीं सकती हूँ वो मैंने करना शुरू कर दिया सो so, ऐसी स्क्रैप बुकिंग मैं कर रही हूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरी बकेट लिस्ट में थी वो मैंने करी एंड बकेट लिस्ट मेरी एक्सटेंड होती जा रही है सो so, इस चैनल पर आई एम क्रिएटिंग माई बकेट लिस्ट आई एम लिविंग माई बकेट लिस्ट एंड इन माई जर्नी यू नेवर नो यू माई जस्ट फाइंड योर ओन बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बकेट लिस्ट अपनी क्लोज़ेट के एक कोने में जाके रख दी है एंड दे आर नॉट गेटिंग द टाइम टू लुक एट इट वो इसलिए नहीं उसे पूरी कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंस हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से दे आर नॉट एबल टू लिव दैट बकेट लिस्ट बट आपके टाइम कंस्ट्रेंट हमेशा रहेंगे अगर अभी हैं वो आगे भी रहेंगे 24 घंटे से ज़्यादा कभी टाइम आपको नहीं मिलने वाला आपके दिन के 25 या 26 घंटे नहीं होने वाले कि आपको एक दो घंटे अपनी बकेट लिस्ट लिव करने के लिए मिल जाए इसी टाइम में आपको वो सारी चीज़ें करनी हैं सो तो अगर अभी तक आपने नहीं करी हैं तो उसे वो अपनी बकेट लिस्ट अगर आपने क्रिएट करी हुई है और अगर आपने उसको टिक करना शुरू नहीं किया तो उसको निकालो उसमें से धूल हटाओ और उसको करना शुरू करो जो सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं और अगर आपने क्रिएट वैसे तो ऐसा कोई होगा नहीं कि किसी ने सोचा नहीं होगा मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है बट जस्ट इन केस जस्ट इन केस आपने नहीं किया है तो एक पेन और पेपर लो उसमें लिखना शुरू करो कि आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहते हो अब ट्रैवल से रिलेटेड अगर अभी कोई चीज़ लिखोगे तो फिलहाल तो वो पूरी नहीं कर सकते क्योंकि क्वारंटीन लॉकडाउन कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकते अभी बट अभी के टाइम पे सो आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट एंड आई एम टेकिंग अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक अ चैलेंज एज वेल कि इस महीने जुलाई से स्टार्ट करते हैं इस महीने तीन ऐसी चीज़ें उठाओ जो आपकी बकेट लिस्ट में है अगर नहीं है तो लिखो वो तीन चीज़ें कौन सी आप इस महीने करना चाहते हो do that. so मैंने अपनी एक bucket लिस्ट बनाई है उसमें यह नई bucket लिस्ट है क्योंकि जो मेरी होती जाती है मैं उस पर टिक लगाती हूँ एंड देन आई स्विच ऑन टू द अदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू तो अभी जो मैंने इसमें बकेट लिस्ट बनाई है वो मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करी हैं, उसमें से आई एल पिक least लीस्ट थ्री थिंग्स this दिस लिस्ट एंड उसके आगे एक्सटेंड होती जाएगी एंड आगे मैं वो चीज़ें करती रहूँगी मैंने जो इसमें लिखा है आई एल शेयर दैट विद यू ऑल फर्स्ट थिंग इज आई वॉन्ट टू लर्न अ डांस रूटीन ऑनलाइन जो मैंने करना शुरू कर दिया है एंड आई एल बी क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दैट सून सून आई हैव टू कलेब विद अ यूट्यूबर आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम अब मुझे उसकी उस पूरे प्रोजेक्ट की थीम पे काम करना है जो मैंने करना शुरू कर दिया है आई हैव टू रिकॉर्ड माई ओरिजिनल कॉम्पोजिशन जो मैंने बना रखी है मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है बिकॉज मैं धर्मकोट में जब गई थी तो आई गॉट अ चांस टू jam विद अदर musicians एज वेल ओवर there. सो so मैंने उस पर एक रैंडम वीडियो बना मेरी फ्रेंड ने बना दी थी मेरे को गिटार प्ले करते मैं प्ले कर रही थी एंड शी क्रिएटेड अ वीडियो और मैंने वो पोस्ट कर दी थी सो आई एम gonna रिकॉर्ड my original composition properly. देन आई एम gonna पिक अ सजेशन फ्रॉम my comment सेक्शन जो मुझे एक पंजाबी सॉन्ग गाने का एक सजेशन आया बारी मुझे एक सजेशन आया गाने के लिए पंजाबी सॉन्ग मैंने एक ट्राई किया था और सबने वो अगर वीडियो देखी है तो पता चल गया होगा कि मैं कितना अटकी मतलब छः सात बार तो मैंने सॉन्ग ट्राई किया था और उस छः सात बार में से जो बेस्ट था वो बेस्ट में भी मैं पता नहीं कितनी बार अटकी हूँ बट ठीक है दैट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट अब मुझे एक और पंजाबी सॉन्ग अटैम्प्ट करना सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई बकेट लिस्ट विच आई विल बी डूइंग सून देन आई हैव टू लर्न इसमें मैंने फाइव सॉन्ग्स लिखे हैं सो आई ट्राई कि मैं इसी मंथ वो पाँचों सॉन्ग्स यूकू पे कर पाऊँ देन आई हैव टू रिकॉर्ड कवर सॉन्ग मांझा जिसके लिए ट्रैक मेरे गिटार इंस्ट्रक्टर ने ऑलरेडी बना रखा है लास्ट मंथ उन्होंने मुझसे शेयर किया था बट नहीं हो पाया सम हाव मेरे से डिले होता गया होता गया तो लास्ट मंथ तो वो नहीं हो पाया सो आई एम आई एम गो नाट ट्राई कि मैं इस मंथ उसे कर लूँ देन अनदर थिंग जो मैं इस वीडियो में कर भी रही हूँ आई एम शूटिंग विद डी एस एल आर मैं अपनी पुरानी कई वीडियो से वीडियोज़ में फ़ोन से शूट कर रही थी बट uh, वो एक मेरा बेसिक रीज़न उसके लिए ये था कि मैं फ़ोन से शूट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ क्योंकि मेरे पास होता है मैं फटाक से उसे रिकॉर्ड ऑन ऑफ़ करती हूँ फिर देखती हूँ मैंने सही किया कि नहीं किया डी एस एल आर में मुझे थोड़ा उठ के जाना पड़ेगा सो कंफर्ट लेवल मेरा फ़ोन से ज़्यादा आ गया था बट नाउ आई एम ट्राइंग टू स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड आई एल बी शूटिंग मोर वीडियोज़ विद डी एस एल आर अगर आपके पास फ़ोन है आप फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो यू डोंट हैव अ डी आप कर सकते हो दैट इज़ टोटली ओके बहुत लोग करते हैं फ़ोन से मैं भी अभी तक फ़ोन से ही कर रही थी बट इफ़ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अ डी स्टिल अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप स्टेप अप नहीं कर रहे हो अपनी क्वालिटी में कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है स्टेप अप करने का फिर भी नहीं कर रहे हो सो दिस इज़ वॉट आई एल बी ट्राइंग नाउ कि मैं डी से जितना ज़्यादा वीडियोज़ हो पाएंगी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगी मेरे लिए शूट करना डी एस एल आर से आई एल बी डूइंग दैट फ्रॉम नाउ ऑन और इस वीडियो से मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट कर दी है जो मेरी बकेट लिस्ट का मैंने पार्ट बनाया था क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन से बाहर जाके मुझे कुछ करना पड़ रहा था तो आई वाज लाइक बकेट लिस्ट में नहीं डालूंगी तो मैं करूंगी भी नहीं शायद उसे आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज ऑन दिस नाउ कि मैं ये बकेट लिस्ट जो मैंने आप लोगों के सामने अभी बताई है इसमें से आई एल बी डूइंग एटलीस्ट थ्री थिंग्स नॉट लेस दैन थ्री थिंग्स दिस मंथ सो आई वॉन्ट यू गाईज ऑल्सो टू टेक अप दिस चैलेंज निकालो अपनी बकेट लिस्ट हटाओ उसमें से धूल और करना शुरू करो उसमें से पिक थ्री थिंग्स कोई भी तीन चीज़ें जो घर में हो सकती हैं जो इस क्वारंटीन लॉकडाउन टाइम में आप कर सकते हो डू दैट एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वो कौन सा एक कैरेक्टर है हाउ आई मेट योर मदर का बारनी आई थिंक मैंने वो फॉलो नहीं किया सीरी सीरीज इतनी तो मुझे इतना पता नहीं है बट आई थिंक नहीं उसमें वो बोलता है शायद चैलेंज एक्सेप्टेड सो लेट नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कॉमेंट सेक्शन में लिखने में ना कोई पैसे नहीं लगते हैं तो कंजूसी मत करना लिखो कॉमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड एंड मुझे वो तीन चीज़ें कम से कम तीन चीज़ें बताओ जो आप इस महीने करोगे अपनी बकेट लिस्ट में अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट करो और फिर लिखो और अगर क्रिएटेड है ऑलरेडी तो उसमें से तीन चीज़ें कम से कम मुझे कमेंट्स में बताओ और कमेंट्स कहीं भी हो सकते हैं यूट्यूब पे इंस्टा पे फेसबुक पे विच एवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर वाचिंग दिस वीडियो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट्स गेट ऑन टू इट एंड आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगैन एंड डोंट फोरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल बटन एंड एन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बाय